हथेलियों में, उनमें मेहंदी का रंग क्या चढ़ाना? हमारे पसंद का एक्स्ट्रा लाल डॉटेड की जगह एक एक स्मॉल पोलका डॉट बना दो इसकी हथेली में। आप सुहागन है, एक एक डॉटेड तो संभाल रही है। Rolling on. Action. गुड्डू की कसम का रंग चढ़ाओ जिन हथेलियों में, उनमें मेहंदी क्या चढ़ाना? मेहंदी का रंग क्या चढ़ाना? Action. गुड्डू की हथेली, मुझे लगा था गुड्डू की कसम का रंग चढ़ाओ जिन हथेलियों में, उनमें मेहंदी का रंग क्या चढ़ाना? हमारे पसंद का एक्स्ट्रा लार्ज डॉटेड की जगह एक एक चेंज ओवर नहीं आया, पूरी लाइन बोली ना आपने। रहने दो, गुड्डू की कसम का रंग चढ़ाओ जिन हथेलियों में, उनमें मेहंदी का रंग क्या चढ़ाना? पोलका डॉट बना। हमारे पसंद का एक्स्ट्रा लार्ज डॉटेड की जगह फुंटी के हाथ में एक एक स्मॉल स्मॉल पोलका डॉट बना दो। आप सुहागन है, डॉट्स तो संभालना ही पड़ेगा, मन हो चाहे ना हो। ओके गर्ल्स, अभी मैं डांट के ही हो गया पवन, नहीं अच्छा था ये बोला, अभी आपने लगा दिया। रोज दोनों कैमरा और डॉटेड प्लीज, तुम थोड़ा बैलेंस पीछे लगी। सॉरी ताई जी, हमें नहीं पता था कि गुड्डू ऐसा कुछ करने वाला है, मगर अब हमने भी अपने कर अपने हाथों में ले लिए और सर की टेंशन भोलेनाथ जी के चरणों में रख दी है, अब कर्म फूटी के और फर्जी भोलेनाथ जी की। बस समझ गए ना अभी, चलो ठीक एक्शन। फाइनली लग गई, जाने लगी। हाँ उठ के जाने से हमें नहीं पता था कि गुड्डू ऐसा कुछ करने वाला, लेकिन अब हमने ठान लिए कि हम बस कर्म करते जाएंगे और फल की चिंता नहीं करेंगे। आज से कर्म फूटी के और मर्जी भोलेनाथ की। अच्छा मेहंदी वाले हाथों से हो गए कट। Bye.
कोंटे मैंने टाइम गुड्डू की कसम का रंग तो चढ़ा है जिनके हाथों पे, उस पे मेहंदी का रंग क्या चढ़ाना। हमारे भी पसंद का एक्स्ट्रा लार्ज डॉटेड की जगह बस एक एक स्मॉल स्मॉल पोलका डॉट बना दो कुंती के हाथों में। अरे सुहागन है, डॉटेड तो संभालना ही पड़ेगा, मन हो ना हो। ये कुंडी बोला, ये कुंडी इधर ना भाभी। बोले एक्शन कुंटे मेहंदी टाइम। से बोला गुंडों की कसम का रंग चढ़ाए जिनके हाथों में, उन हाथों पे मेहंदी का रंग क्या चढ़ाना। अरे हमारे पसंद का एक्स्ट्रा लार्ज डॉटेड की जगह सिर्फ एक स्मॉल स्मॉल पोलका डॉट बना दो कुंटे के हाथों में। सुहागन है, डॉटेड तो संभालना ही पड़ेगा, चाहे मन हो ना हो। हाँ थोड़ा साइड से ही करना। सब चुपू नाराज है तो कूपी मना के तुमने का होगी कट। रेडी 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 करूं इसमें टर्न कर चुका था ना और पीछे बैठा है डॉक्टर।
किया गुण है, अगर फूल नाराज है तो को भी मना के दम लेगा। बेटे चार्ज कंप्लीट होने दे, फिर लुक डाउन कर। रोलिंग क्या पढ़ लिया? करूं और पहले
हाल उड़े कुंटी के लुक जाते हैं मेरे मित्र से दोबारा चेंज करो किस वजह से मेहंदी लग रही है इस बार? तो घर में एक पूजा होने वाली है क्योंकि फुंटी के हाथों अपशगुन हो गया है, उसने हरी कलर की चूड़ियाँ तोड़ दी है, तो अब पतियों की रिस्क पे, लाइफ रिस्क पे है सारी घर की औरतों के सारे पतियों की, तो इसलिए पूजा रखनी पड़ी है और इसलिए मेहंदी लगी है सारी हाथों पे। लेकिन मेहंदी में तो खुशी होती है, किसी भी चीज़ में अगर मेहंदी लगाए तो खुशी होती है, उदासी क्यों है आपकी? हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन पूजा है उसी दिन फुंटी का पेपर है और अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेपर की तैयारी करे या पूजा की तैयारी करे, अपने पति की सुनने की पेपर की तैयारी करो या घर वालों की सुनने की पूजा की तैयारी करो। गुड्डू, आपने भी कहीं कसम दे दी है उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए? जी हाँ, गुड्डू चाहता है कि क्योंकि फुंटी का सपना था कि वो टीचर बने और उसको मेरी वजह से अपना एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा गुड्डू बिल्कुल नहीं चाहता है और इसीलिए उसने ऐसे चलाकी से कसम दिलवा दी है ताई जी से, वो भी गुड्डू की, कि ये एग्ज़ाम देगी। तो अब ये पूजा भी करनी है और एग्ज़ाम भी देना है, जिसके लिए घर वाले तैयार नहीं थे और इस बात से फुंटी नाराज़ है कि गुड्डू ने ऐसा क्यों किया, झूठ बोल के या चालाकी से ऐसा क्यों कसम दिलवा दी। ओके, वैसे वो कहीं पढ़ाई कर नहीं पा रही है मेहंदी के वजह, लेकिन आप वो पढ़ाई कराने के बहाने जो चांस मार रहे हैं उन पर, जो मौके पर चौका मार रहे हो? हाँ, क्योंकि पहली बात मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे माफ़ कर दे, और फिर मैंने देखा कि बेचारी इतनी तकलीफ़ में है, मेहंदी लगाई हुई है, पेज टर्न नहीं कर पा रही है, तो मैं जाके हेल्प कर रहा था और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बुक को अपने फेस के सामने रखा था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि हवाई खुद डिस्ट्रैक्टेड हो गया। हाँ, हवाई, और फिर मैंने देखा इतनी सुंदर लग रही थी फुंटी, ऐसे बाल उड़ रहे थे, तो मैंने कहा बहुत परेशान हो रही है, तो मैंने वो बाल थोड़े से ठीक किए जिससे ये खुश हो गई और मुझे लगा कि मुझे माफ़ कर दिया। हाँ, नहीं कर दिया, कर फुंटी दिया को ऐसे फुंटी को फील हुआ गुड्डू के लिए कि बेचारा कितना अच्छा है, हेल्प कर रहा है इतनी। कितना आसान होता है लड़कियों से माफ़ी। हाँ, अभी माफ़ किया नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसके लिए उसको आंसर दिया है कि माफ़ करना आसान होता है। अच्छा, मेरे ख्याल से होता है। हाँ, गलती हो गई मुझसे बोल के, कितना आसान। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अच्छे से अगर प्यार से सच में भी माफ़ी मांगो और तो आई थिंक माफ़ कर देती है। पर आपकी स्माइल कुछ और के है, मतलब मुझे तो कर देती है। क्या लगता है बुद्धि आपको? हाँ, वैसे कर देती है लड़कियाँ माफ़ इजीली, मुझे भी लगता है ऐसा। अगर आप जैसी स्वीट हो तो करेक्ट, और लड़का भी मेरे जैसा स्वीट हो तो हाँ। थैंक यू जी। हाँ, करेक्ट।